आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुख्यमंत्री भूपेश बोले, ईडी के छापों से नहीं डरेगी कांग्रेस, 9 मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार पर हमला। ईडी छापे के बाद कांग्रेस का हंगामा, रायपुर जिलाध्यक्ष की ईडी के अधिकारियों से बहस, जताया विरोध। महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों ने 2 सिपाहियों की हत्या की, बोरतालाब चेक पॉइंट पर तैनात थे दोनों सिपाही। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के घर के सामने भजन कीर्तन, देवेंद्र यादव के घर के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोंगड़िया ने दिया बयान, बोले हम भारत में हिंदुओं को भी कहीं भी असुरक्षित नहीं होने देंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अंबिकापुर के सिंगरौली से कोयला लोड ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि सिंगरौली से कोयला लोड ट्रक से अवैध तरीके से कोयला खपाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करने मौके पर पहुंची पुलिस ने कोयला लोड ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने ट्रक मालिक सहित ट्रांसपोर्टर के खिलाफ अनेक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पांडे सर, कहां से हैं? मैं बबनी बकरीमा, बकरीमा बाजार। माल कहां से लोड करके ला रहे हैं? माल सर ये देखिए, बिसरे इनका जो बिकुनपुर लोड, यहां गाड़ी खड़ी थी, लोड थी, मुझे मेरा भाई बुलाया, मामा का लड़का था, बोला कि आ जाओ गाड़ी खाली है, होली है, 2-3 हज़ार पे दिलवा दूंगा। मालिक से ठीक है, 4 बच्चे हैं मेरे। कहाँ से लोड किए थे माल? ये माल लोड गाड़ी थी वहाँ पे, कहाँ? और बैकुंठपुर में? हाँ, जो डिपो में उनके गाड़ी खड़ी थी वहीं। अरे उनका डिपो है बैकुंठपुर के अंदर। अच्छा। नाम नहीं जानता मैं, नया नया आया हूँ सर। उसके बाद फिर लोड करके तिरपाल हमसे बंधवाए, फिर बंधवा के फिर आए यहाँ विश्रामपुर, नहीं विश्रामपुर चौक जो है, यहाँ मालिक बोले कि यहीं रुक जाओ, रात में सुबह जाना, तो वही रात पर सोया था मैं। फिर कहाँ जाना था आप लोग को? जाना कहाँ था आप लोग? जी मैं ये नाम बताया था, यहाँ मैं जानता नहीं हूँ यहाँ, तो ड्राइवर बोले चलना है, ठीक है चलो। कहाँ पे आए आप लोग? बाबा ईटा भट्टा में। हाँ, ये भट्टा किसका, मैं नाम नहीं जानता सर। आज सरगुजा में खनिज विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध रूप से जो कोयला परिवहन हो रहा था उसको लेकर एक कार्रवाई की गई है, जिसके तहत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि साणवार बैरियर के पास ईट भट्टा है, वहां पर इस प्रकार का एक ट्रक खड़ा है, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस की टीम और खनिज विभाग की टीम वहां पहुंची है। मौके पर जो ट्रक मिली उसमें जो कोयला लोड था, वो कोयला जो था वो खरसिया की ओर उसको जाना था, जैसा कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला, ड्राइवर के द्वारा भी ये बताया गया। उस आधार पर इसमें जो आईपीसी की धारा 420, 34, 379 तथा 407 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यह जो ट्रक मालिक जो है बबलू अग्रवाल, और जो कोल डिपो जहां का, जहां पर यह कोयला जिसके माध्यम से भेजा गया था, उस उन दोनों दोनों को आरोपी बनाया गया, बबलू अग्रवाल और उनके मुंशी को इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और मामले में विवेचना जारी है। जयजयपुर के ग्राम पंचायत भोथीडीह में युवाओं ने 2 दिवसीय ओपन चैलेंज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। 40,000 की इनामी राशि वाले इस आयोजन में फाइनल मैच में मधुबन खुर्दा और शक्ति के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें मधुबन खुर्द की टीम ने जीत हासिल की, साथ ही प्रथम पुरस्कार जीतकर 15,000 नगद एवं विजयी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। शक्ति के हसौद थाना क्षेत्र के लालमट्टी गांव में पंथी नृत्य करने आए युवक से मारपीट कर हत्या करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मृतक युवक अपनी पार्टी के साथ पंथी नृत्य करने के लिए गया हुआ था, जहां नृत्य करते युवक बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह किसी कठोर वस्तु से सिर में चोट आने से हुई थी। जांच में पाया गया कि ग्राम लाल माटी के राकेश खोटे, उस पर लोकेश खोटे के द्वारा अपने ममेरी बहन
से मोबाइल से बातचीत करता है या उससे अफेयर रखता है बोल करके उसके साथ दिनांक 13/11/2022 को मारपीट किया गया था, जिसके आई चोट से उसके मृत्यु हुआ था। आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवी के तहत अपराध घटित करना पाया गया, इसे अपराध का निबंध के विवेचना में लिया गया एवं उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से दिनांक 19/2/2023 को विधिवत गिरफ्तार कर उसे न्याय हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया। सकती जिला के हसौद थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक युवक अपने रिश्तेदार के घर पष्टी कार्यक्रम में आया हुआ था और अज्ञात कारणों से फांसी लगा लिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सारंगढ़ में बहुजन समाज पार्टी विधानसभा सारंगढ़ के तत्वाधन में आयोजित सेक्टर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से चोखलाल मैत्री जी को सेक्टर अध्यक्ष, गांधी चौहान जी को सेक्टर महासचिव और एड मुनीराम मीरी जी को पोलिंग बूथ अध्यक्ष चुना गया। वहीं आज की बैठक में प्रमुख रूप से जिला प्रभारी, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सरगुजा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पीड़िता के चाचा ने पुलिस को बताया था कि गांव के एक युवक ने उनकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी सूचना मिलने पर उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सरगुजा के गागौली ककनी मार्ग पर 10 करोड़ रुपए की लागत से नवीन पुलिया का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ। पुलिया के निर्माण कार्य का क्षेत्रीय विधायक ने भूमि पूजन कर कार्य संपन्न किया और मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस उच्च स्तरीय पुलिया के निर्माण से क्षेत्र के स्थानीय कृषकों और नागरिकों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि पुलिया निर्माण कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिया को निर्माण कार्य की देखरेख में लगे अधिकारियों को भी कार्य की निगरानी सही से करने की चेतावनी दी है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।